मेजर साहब, पाकिस्तान में कुछ हो और उस पे आपका कमेंट ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप मेरे साथ फ्रेम में देख भी रहे हैं, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब उनको जानते हैं। हो सकता है मुझे ना जानते हो, लेकिन मेजर साहब को सब पाकिस्तान में जानते हैं और इंडिया में भी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मेजर साहब, पाकिस्तान में कुछ हो और उस पर आपका कमेंट ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप क्या समझते हैं जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुआ है, 5 दिन से वो लोग बाहर रोड पे बैठे हैं और डेड बॉडीज़ लेकर, और इससे पहले भी बहुत बार उनके साथ ये कुछ हो चुका है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसमें एक जो ग्रुप है हमारे यहाँ, वो ये भी कह रहा है कि ये इंडिया ने करवाया है, इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि you know, पहली बार हो रहा है। जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुआ है, ये अंदरूनी सिंध में भी हुआ है, ये कराची में भी हुआ है, ये बलूचिस्तान में हो गया है। तो शिया किलिंग, शिया टारगेटिंग, ये कोई नई बात नहीं है। कितने तो डॉक्टर, कितने तो इंटेलेक्चुअल मार दिए गए कराची में जो महाजिर थे। तो अगर हम ये बोलें कि नई बात है तो बिल्कुल नई बात नहीं, पर इससे ज्यादा मुझे दुख उसका नहीं हुआ जितना ज्यादा दुख, ठीक है जाने गई, इसका बहुत दुख है। जो हजारा थे उनको, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको मर गया ना, तो उससे ज्यादा दुख मुझे ये है जो शेख रशीद साहब गए थे वहां पे और शेख रशीद साहब ने जो बातें करी वहां पे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो पाकिस्तान का मामला है और मुझे ऐसा कोई बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूं। मुझे लगता है कि बड़े गैर संजीदा किस्म के इंसान हैं वो। पाकिस्तान को कोई एक, जिसको कहते हैं ना कि एक, अक्सर एक कहा जाता है कि रियासत माँ होती है। जो लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की, अपने दोस्तों की लाश लेके सड़क पे बैठे हैं, उनसे आप कह दें कि साहब वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कैश मांग रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं। उन्होंने कभी मांगा भी नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। और जहां तक आपकी ये बात है कि इंडिया ने मारा, वो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इसमें तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए कि इंडिया ने मारा। कहते हैं पानी ज्यादा छोड़ दिया पीछे से इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बाढ़ आ गई, टिड्डी आ गया थे तो वो भी इंडिया ने कर दिए, और सभी इंडिया ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाल बेहतरी की तरफ तभी जाएगा पाकिस्तान में, जब मानेंगे कि ठीक है, हो सकता है इंडिया आपका दुश्मन है, हो सकता है इंडिया साजिशें भी करता हो, लेकिन अगर इंडिया की 100 गलतियां हैं, अगर आपके साथ 100 चीजें बुरी हो रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि 95 इंडिया कर रही है, आपको लगता है ना हम दुश्मन है, काफिर है, ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं हम मान भी लेते हैं नाम के लिए ना कि इंडिया कर रही है, तो कहीं ना कहीं 100 में से 5 तो पाकिस्तानी भी सोचें कि यार ठीक है इंडिया वाले बुरे लोग हैं ना, 95% तो इंडिया वाले बुरे हैं, लेकिन हो सकता है 5% हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो वो देखना चाहिए कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया क्यों मरवाएगा हजारों को, किस चीज के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मरवाया शियाओं को, इंडिया क्यों मरवाया, इंडिया का क्या फायदा है? हर चीज के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा। बस एक, जिसको कहते हैं ना कि एक शगुफा छोड़ दिया हवा में कि इंडिया ने करवाया था, बस कहानी खत्म। तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, रियासत ना होती है, सबसे कोई संजीदा किस्म का इंसान, अब इनकी तो हरकतें भी ऐसी हैं कि इनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं समझ में आता। और जहां पे इमरान खान, वो आपके वो क्या नाम है, जुल्फी साहब है उनका पूरा नाम, मैं भूल जाता हूँ, जुल्फी बुखारी वो साहब, वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं। जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा है कि मसाकी साहब वो गए तो उन्होंने बोला कि इमरान खान के लिए तुम क्या करोगे, और मैंने तो मतलब ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। जो अपने अपनों की लाश लेके बैठे हैं, 4-5 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करिए, एज ह्यूमन बींग्स, इंसान की तरह बातचीत करिए, हो सकता है मसले का कोई हल निकल आए। आप अच्छा चलिए, इंडिया तो बुरा है, आप कह रहे हैं इंडिया ने मरवा दिया, ठीक है
चलिए आपकी शो है, मैं एक बार के लिए एकेडमिकली स्पीकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूं कि इंडिया ने, चलो इंडिया ने मरवा दिया, क्यों मरवाया ये छोड़िए, इंडिया ने मरवा दिया, आपने बोला हमने मर गया, क्या जरूरत है भाई, जिनके घर में जो लोग गए हैं, जो लोग जिनके घर में छिप हुए हैं, लोग मरे हैं, आप उनको उनको जाके जलील क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने बोला शेख रशीद को कि अपने बंदों को जाके जलील करो, मुझे ये तो बात ही समझ के बाहर है मेरे जी। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, खैर ये चीज़ तो बहुत एम्बैरेसिंग है जिस तरीके से जुल्फी बुखारी ने बात की और शेख रशीद ने बात की, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ में एक ये आपने ट्रेंड नहीं देखा है मेजर साहब के, जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे कह देंगे पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में खासतौर पर कुछ हो तो फौरन ही भारत का नाम ले लेते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, सिंध में भी भारत का नाम लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भारत का नाम लेते हैं, उसका रीज़न है। और मैं आपको, मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए आरजू जी ये बात कर रहा हूं, इसमें इशू ये भी है आरजू जी की, कहीं ना कहीं जब आपने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कंस्ट्रक्ट बताया था ना, ये जो जानवर है ना जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं, दिस एनिमल सो टू से, ये इसको इसको दुश्मन चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का दुश्मन नहीं होगा तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट किस काम का? अगर आपने फौज को इक्तदार में बैठाना है तो फिर आपको तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि साहब आपका ये दुश्मन है इसलिए फौज इक्तदार में बैठी है, कुछ तो आपको टारगेट देना पड़ेगा लोगों को, वरना लोग कहेंगे साहब ये जनरल साहब की 15 करोड़ की कोठी कैसे है, इनकी तो तनख्वाह इतनी नहीं थी, आपको आपको कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी, तो फिर स्टोरी में वो इंडिया आ जाता है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जो चीज में पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये बात है कि हमारे यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस भी हैं आरजू जी, जैसे एक नेता हमारा कहते हैं कि जो वैक्सीन है बीजेपी की है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी पूरा कार्टून चैनल चलता है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कार्टून चैनल नहीं चलता, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, लेकिन मुझे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना कि कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि आपने जो बात बोली है, जो जर्नल ने बात बोल दी वो आखिरी है, वो लफ्ज आखिर है, आपने बोल दिया वो जनरल है, ये नहीं है इंडिया में अभी तक, थैंक गॉड जी। बिल्कुल आपने जैसे अभी वैक्सीन की बात की, कल भी मैंने एक डिबेट देखी थी और शायद परसों भी इंडियन टीवी पे, तो उसमें एक तरफ की पार्टी यही कह रही थी कि जो वैक्सीन बनाई है वो सबसे पहले मोदी जी अपने ऊपर ट्राई करें और अपने मिनिस्टर्स पे ट्राई करें, तो आपके अपने ही लोग जो है वो भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन ठीक होगी जो भारत बनाने जा रहा है या बना चुका है? आरजू जी ये देखिए, हमारे यहाँ ऑपोजिशन बातें करती है और उनकी भी गलती नहीं है ऑपोजिशन की, देखिए सब हार गए, इनके सबके कपड़े फट गए, इनकी जमानतें जब्त हो गई, अब इनका जो टोटल फोकस है वो टेलीविजन और सोशल मीडिया है, क्योंकि ग्राउंड पे तो रहे नहीं है, साफ कर दिया बीजेपी ने सबको ना, और आगे चल के 2024 में और पूरे साफ हो जाएंगे ये, मुझे तो लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सिंगल डिजिट में ना जाए पार्लियामेंट में। तो अब मैं क्या बोलूं कि विश्वास नहीं करते, देखिए बात यह है कि विश्वास पूरा है, आप WHO का देखिए, WHO ने क्या बोला है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने क्या बोला है, जो बड़े बड़े वर्ल्ड की क्रेडिबल बॉडीज हैं वो क्या बोल रही हैं, है ना, तो पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंडिया सेइंग वेल डन। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना है, कल अगर इनको बोल देगा, बड़ा पॉपुलर जोक है इंडिया में कि कल अगर इन ऑपोजिशन पार्टीज को मोदी बोल देगा ना कि जहर मत पियो, जहर पीने से मर जाते हैं, ये सब के सब एक लाइन में जहर पी लेंगे, ये कर देंगे ऐसा, क्योंकि एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है आरजू जी, एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि आप, क्योंकि उस आदमी ने इनका सब कुछ छीन लिया, आप समझिए डिमोनेटाइजेशन से बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत चोट पहुंची है, जो बेसमेंट भरी थी ना हजार हजार के नोटों की गड्डियां बड़ी थी, कई 100 करोड़, वो सब उसने 8 बजे अनाउंसमेंट करी मोदी ने, 12 बजे वो रद्दी हो गया, फिर जो भी बैंक में जो भी थोड़ा मोट चिल्लर जमा कर पाए वो व्हाटएवर द केस, बट आप तो ये चीज है, तो बहुत शिकायतें हैं लोगों की, और पूरा जिस तरीके से इंडियन सिस्टम पूरा का पूरा उलट पुलट कर दिया है, तो और ये शिकायतें जाएंगी नहीं, बट बात यह है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल वो मोदी की लीडरशिप में बिलीव करते हैं, मोदी के नाम पे वोट डलते हैं, और मोदी के नाम से बीजेपी चल रही है, तो कई लोग हैं जो बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते,
राइट वो कहते हैं वो चाहे वेस्ट बंगाल में वोट दें एक छोटे चुनाव में छोटे इलेक्शन में या तमिलनाडु में दें और खड़ा कोई भी हो कहते हैं हमने मोदी को वोट दिया एज फार एज दे आर कंसर्न्ड उन्होंने मोदी को वोट दिया सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रांड इक्विटी दैट नरेंद्र मोदी हैज वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ट्रिमेंडस ब्रांड इक्विटी लेकिन मेरा मानना तो यही है कि चाहे कोई भी कंट्री हो पाकिस्तान हो या भारत हो अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि आपकी कंट्री आगे बढ़ सके बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर साहब एक इंडियन कॉमेडियन मेरे उनका नाम भी है मेरे पास मुनव्वर फारूकी उसके बारे में न्यूज़ आई कि जी कोई शो किया था शायद और उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया और उसके बाद केस फाइल हुआ है जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर 295 और 298 जो है उसके अंडर चार्जेस ये लगे हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि 5 लोग थे जो अरेस्ट किए गए। तो सबसे ज़्यादा मुनव्वर फारूकी को ही क्यों बताया जा रहा है कि जी उसने कुछ गलत बोला है किसी रिलीजन के बारे में कॉमेडी की है या कुछ किया है बाकी 4 लोगों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही इसलिए कि ये मुस्लिम था और फ्रॉम गुजरात ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं क्या क्या हिंदुस्तान में कोई मजाक नहीं कर सकता आपके यहाँ तो बहुत रिवाज है बल्कि अगर मैं हम देखें यूएस में जो है वो जॉर्ज कार्लिन और इसके अलावा लुइस सीडीप जो है सीके सॉरी ये हैं उधर यूएसए में तो ये लोग भी कॉमेडी करते हैं और ये जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर और जीसस के ऊपर तो कभी ऐसा नहीं हुआ और आप लोग क्या पाकिस्तान के उस पर चल रहे हैं तर्ज पे चल रहे हैं पाकिस्तान की तरह बिहेव करने लगे कि अगर कोई रिलीजन पे कोई मजाक होगा तो उस पर ब्लास्फेमी लगा देंगे और उसको इस तरह से बंद कर दिया जाएगा। जी अर्जुन जी पहली चीज आपने बोला कि सबसे संजीदा जो केस लगे हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर क्यों लगे हैं बाकियों के ऊपर देखिए अंदर तो सभी हैं पर वो थे ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था लेकिन जोक्स लिखे किसने पब्लिकली बोला किसने वो मुनव्वर फारूकी के अंदर उसने करा है तो इसमें मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही सबसे संजीदा इल्जाम लगाए जाएंगे। ब्लास्फेमी का मेरे हिसाब से नहीं लगा उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम बट ठीक है यू नो हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स वगैरह इसके चार्जेस लगे हैं जहां तक मुझे नॉलेज है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि इंदौर वाले थोड़े से डिसेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं तो डिसेंट तो खैर पूरे हिंदुस्तान में हरी जगह लोग हैं बट उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं। यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में होती ना यूपी में तो आरजू जी बहुत ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाए। देखिए किसी को भी ये करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाएं। ये कैसी कॉमेडी है मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूरी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूं ठीक है ये मुनव्वर फारूकी तो मुस्लिम है ये इस्लाम के ऊपर जोक क्यों नहीं सुनाता एक बार सुनाए ना हम भी तो हंसे एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं खुले आपके मंच पे बोल रहा हूं कि आप श्री राम और सीता माँ जो हैं और शिव जी हैं आप उनके ऊपर चुटकुले सुनाते हैं गंदे गंदे चुटकुले सुनाते हैं उनको ठीक है गंदी गंदी बातें करते हैं ठीक है। आप इस्लाम के हजरत साहब हैं मोहम्मद साहब कभी उनके बारे में नहीं उनके बारे में आप बोल नहीं सकते क्योंकि गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरतन से जुदा है ना। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को आप कॉमेडी कर सकते हैं फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है तो ये हिंदुओं ने अब टॉलरेट करना बंद कर दिया ठीक है। एक जमाने में टॉलरेट होते थे क्योंकि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी थे। मैं भी बहुत बड़ा सेक्युलर था जमाने में अर्जुन जी मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं जरा हंसूं इनके बीच में तो लोग मुझे समझेंगे देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड है कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है। फिर मैंने देखा मैंने पढ़ाई करी अब मुझे कोई शौक नहीं है इनके बीच में बैठने का कोई शौक नहीं है इनके बीच में बैठने का। मुनव्वर फारूकी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ उसके साथ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर इस्लाम के जितने भी हैं चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो चाहे आपकी कुरान शरीफ हो हम किसी के बारे में कभी गलत चीज नहीं बोलते ना कभी बोलेंगे तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे जो देवी देवता हैं जो हमारे हमारे लिए मुकद्दस हैं वो उसकी इज्जत करें। इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट
बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के मजहब की और लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद यही कह रही हूँ कि गलत किया है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि बाकी चार लोगों को उस तरह से क्यों पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उस तरह से क्यों मीडिया के सामने बात नहीं हो रही, उनके नाम नहीं लिए, क्योंकि वो बेशक ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन वो उतना ही उनकी उनका भी कसूर है जितना के इसका मुनव्वर फारूकी का। उसका उसका रीजन है, मुनव्वर फारूकी इज अ रिपीट ऑफेंडर। आप इसके अगर जाएंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे बार बार यही काम करता है, बार बार यही काम करता है। इसने हिंदुओं के बारे में बोला था, जो ट्रेन में साधु जले थे ना, जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ, पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम भारत है, भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है, तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे, और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें हैबिट्स लगी हुई हैं अर्जु जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे, अब बैठेंगे नहीं पिटेंगे ये सब लोग। अब हम देखते हैं मुनव्वर फारूकी भाई जो है कहां कहां और जोक सुनाते हैं, इन्होंने मुंह खोला है पिटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, मैं आपको फिर से बोल दूं, लेकिन देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं इससे क्या होगा कि आप कॉमेडी करिए, आपको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है, आप मोदी की मजाक उड़ाइए, आपको जिसकी मजाक उड़ानी है। अगर आप, मैं साफ तौर पे अगर कह दूं आपकी शो पे, आप अगर हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं के देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे, क्या हिंदू कॉमेडियन नहीं है क्या? राजू श्रीवास्तव है, राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है कॉमेडी का इंडिया में, ये तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं, मुनव्वर फारूकी कल से उछल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है, जॉनी लीवर इतना बड़ा नाम है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी इनको देखा होगा। आपने कभी देखा इन्होंने कि किसी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के किसी के, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा ही करना है आगे तो ऐसे 10 हिंदू कॉमेडियन हैं जो फिर और धर्मों के जो जो जिसको रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जो और धर्मों के प्रोफेट्स हैं, उनके ऊपर जोक बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो हिंदू के लिए हो, मुसलमान के लिए, फिर आप भी जोक सुनाओ, फिर हम भी जोक सुनाते हैं, फिर वो सरदार से जुड़ा वाला मामला नहीं होना चाहिए, फिर इन्हें कि हमारी दिलाजारी हो गई। तो सबकी आरजू जी बराबर की इज्जत होनी चाहिए, सबके बराबर की इज्जत, और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जेल जाएंगे, और ये जो मुनव्वर फारूकी है ये तो रिपीट ऑफेंडर है, कोर्ट ये भी देख रहा है ना, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर, ही इज अ रिपीट। और एक और चीज, हाँ, बड़े चार्ली हेब्डो से इसका बड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो हिंदू राइटिंग थे उन्होंने बड़ा बोला था कि साहब ये चार्ली हेब्डो का बड़ा गलत हुआ, और वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स थे उन्होंने कार्टूनिस्ट को मार दिया। अब वही ये लोग टॉलरेंस इंडिया में दिखा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेट हैं ये लोग ना, हिपोक्रेसी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के ऊपर केस करना और उसको कोर्ट ले जाना, ओके, और 12 लोगों का कत्ल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, कानून मुझे हक देता है कि मैं आपके ऊपर केस करूं, आप कानून हक देता है आप मेरे ऊपर केस करें, लेकिन आपने एक कार्टून बनाया और मैंने जाके 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी तीसरे मुल्क में मार दिया, देयर इज नो इक्विवेलेंस, ये तो बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। तो इंडिया में है ये लेफ्ट विंग लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब है, लगेंगे 5-10 साल इनको भी ठीक करेंगे हम लोग, धीरे धीरे ठोक बजा के इनको, जरा जैसे कलाई वाला बर्तन होता है ना जिसके अंदर कलाई लगाते हैं, डेग होती है, तो वो ठोक बजा के हल्का हल्का सा फिट करेंगे इनको, कर रहे हैं हम धीरे धीरे इनको, इनका दिमाग राइट एंगल में लाएंगे हम लोग। नहीं बिल्कुल, रिलीजन पे तो किसी के भी इस तरह के जोक्स नहीं होने चाहिए, और आपने नाम लिया राजू श्रीवास्तव का, हाँ बिल्कुल, लोग वहाँ यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं उनको, उनकी वीडियोस हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, और टीवी पर भी कभी कभार वो आते हैं, तो मैंने नहीं सुना कभी उन्होंने किसी रिलीजन के ऊपर कोई उल्टा सीधा जोक मारा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज़, शोएब अख्तर की एक स्टेटमेंट आई थी, आपको मालूम होगा
कि उन्होंने जी बात की थी गज़वाए हिंद की, उस पर कई लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है। वो कभी कहते पुरानी वीडियो है, कभी कहते नई वीडियो है, और बहुत से लोग उनसे नाराज़ भी हुए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, एक तो शोएब अख्तर ने गलत चीज करी, ठीक है। इंडिया में आया, बहुत पैसा मिला, बहुत इज्जत मिली, अब उसको कश्मीर और गजवाए हिंद याद आ गया। अब देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना साहब है इंडिया के, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको इंटरप्रेट गलत करा गया है, कुरान शरीफ में इस तरीके से नहीं लगा था, इसका जो तर्जुमा करा गया है, इसका ट्रांसलेशन करा गया है, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन करा गया है, वो गलत। देखिए, आप इंटरप्रिटेशन कैसे भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इसका शोएब अख्तर ने इंटरप्रिटेशन गलत करा। अगर लाखों करोड़ों लोग, मुस्लिम्स, अगर ये मानते हैं कि गजवाए हिंद होगा और होना चाहिए, राइट, होगा और होना चाहिए, तो ये सच है। फिर कुरान शरीफ में कुछ भी लिखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताइए आरजू जी, मैं आपको ये बोलूं कि मैं हिंदू हूं, राइट, मैं हिंदू हूं, और मैंने जाके किसी और मजहब के 50 लोगों को मार दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं नहीं साहब, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि शांति और अमन होना चाहिए, सब उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, तो क्या हुआ, उसमें जो भी लिखा है मुझे क्या लेने देना उससे, मैंने तो कत्ल कर दिया है ना, या आपको क्या लेने देना उससे, एक बार कत्ल हो गया तो हो गया। तो लोग ये नहीं देखते कि किस किताब में क्या लिखा है, लोग ये देखते हैं कि उस किताब को मानने वाले जमीन पे क्या एक्शन करते हैं, वो कार्रवाई क्या करते हैं, वो कौन सी कार्रवाई अंजाम लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नोबडी विल, किसी मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हिंदुओं की किताब पढ़े, या किसी हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि मुसलमानों की किताब पढ़े। हम तो जो हमारे सामने एक्शन होता है, हम एक्शन देखते हैं, राइट। अब लोग कहते हैं कि अलकायदा है, अलकायदा वाले वो कहते हैं, अव्वल तो अलकायदा वाले मुसलमान है ही नहीं, कई लोग ऐसे कहते हैं, अलकायदा वाले कहते हैं मुसलमान है, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, दाइश ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रखा है। दुनिया को यह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुस्लिम कौन है, नहीं है, उनको यह पता है कि इस्लामिक स्टेट ने हजारों लोगों के गले काट दिए। तो जो जमीन पे फैक्ट्स है, हमें हकायक पे बात करनी चाहिए। असल में इन लोगों ने अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं है, जो जो ये दावे करते हैं ना कि किताब में लिखा है, इसलिए इन्होंने इतने लोगों के गर्दनें काट दी। अभी भी जो कुछ हुआ है हज़ारा में, तो ये इन लोगों ने बेसिकली अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और ये अपनी तरफ से लेके इस चीज़ को चल रहे हैं। और इन्होंने एक इस्लाम का वैसे ही ठेका उठा रखा है कि जी हम हर किसी को मार देंगे और बस सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, वो भी इनके इनकी मर्जी के मुसलमान, ये नहीं कि कोई भी जो इनको पसंद है बस वो रह जाएंगे और बाकी सब, ये एक है हमारा जैसे कहना चाहिए कि नेगेटिव पॉइंट, या कहना चाहिए कि एक गलत चीज़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन किस कौन करेगा ये पता नहीं है। लेकिन साथ ही मेजर साहब, एक हमने कुछ अरसे पहले देखा था कि एक लव जिहाद के नाम पर एक लॉ बनाया गया और उस पर बड़ी बहस हुई थी और कई टॉक शोज भी हुए थे और बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, स्टेट क्यों इसके अंदर बात कर रही है, गवर्नमेंट क्यों आपकी बात कर रही है, क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर बेशक वो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है और वो शादी करना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को या स्टेट को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इस तरह के लॉज लेकर आ रहे हैं? इसमें दो बातें हैं अर्जुन जी, कुरान शरीफ में लिखा है कि मुसलमान की शादी गैर मुसलमान से नहीं हो सकती, ये मैं सच कह रहा हूं। नहीं, यहूदी और क्रिश्चियन से हो सकती है, अहले किताब से है, पर उनको धर्म बदलना पड़ेगा अपना, सिर्फ लड़की को, लड़के को नहीं बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई मुसलमान है तो उसको वो अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर, वो अगर यहूदी लड़की से, जैसे इमरान खान साहब ने जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी करी, तो वो पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुई तब ना जाके इमरान खान के साथ शादी हुई जी। वरना कोई अलाउ करता कि इमरान खान यहूदी से शादी कर ले, ठीक है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं अर्जुन जी कि ये जो लव जिहाद वाला लॉ है ना, ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते, ये लॉ नहीं है। लॉ ये है कि आप कन्वर्जन ना करवाएं। अच्छा, आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज है, अगर आप ये जितने भी केसेस देखें लव जिहाद, 99% में आप देखेंगे कि जो लड़का है वो मुसलमान है और लड़की है हिंदू है।
यही आप पाकिस्तान में देखिए, जितने भी लड़कियों के कन्वर्जन हो रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में, तो 100% आप देखेंगे कि लड़की या तो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, और लड़के मुसलमान है। ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं, मैं पास्ट 5 साल की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जो अच्छे खासे खानदानों में, परिवारों में शादी होती है, पढ़े, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सेप्शन है, मैं कह रहा हूं जनरली, जैसे मिट्टू मियां हैं आपके, बहुत, वो भी पूरे जनरली है वहां पे, तो मिट्टू मियां साहब जो करवाते हैं वो क्या करवाते, यही तो करवाते हैं वो, दैट इज वॉट दे डू। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि लव जिहाद का लॉ ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू की शादी नहीं हो सकती, वो ये कहता है कि आपको इसका मजहब क्यों बदलना है, आपको शादी नहीं करी है, मजहब क्यों बदलना है। लेकिन फिर लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एम कन्वर्जन है, क्योंकि किसी मौलाना ने इनको सिखा रखा है कि वहां पे करोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, इतनी हूरे मिलेंगी, जैसे वो जाकिर नायक समझाता है ना, चैप्टर 1:5, paragraph 3, वो पूरा ग्लॉसरी लेके बैठ जाता है। तो ये सब लगे ना काम पे, कुछ जेन्यून केसेस भी हैं, हो सकता है कि मुसलमान लड़का सही में हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हो, पर अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप लड़की से प्यार करो ना। अनीता को आयशा क्यों बना रहे हो, अनीता को अनीता रहने दो यार, प्यार तो करते ही हो ना। लव जिहाद का लॉ ये कह रहा है कि डोंट कन्वर्ट अ पर्सन, आपको शादी करनी करी है, किसने मना करा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको तीन केसेस बताती हूँ। एक देखें, एक तो शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान, ठीक है। उसमें शर्मिला टैगोर का जहाँ तक मुझे पता है, वो उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था, वो मुस्लिम हुई थी। मधुबाला और किशोर कुमार, किशोर कुमार मुस्लिम हुए थे मधुबाला से शादी के लिए, ठीक है। और एक मेरी अम्मी की फर्स्ट कज़न है, अभी भी यूके में है, आप कभी यूके जाएं मुझे बताइएगा, उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। तो वो उन्होंने एक हिंदू से शादी की, ठीक है। और उनका नाम हाजरा था, उन्होंने हाजरा से नाम चेंज करके सुषमा नाम रख दिया उनका। तो ये चीज़ें जो है, ये कभी कभी दोनों तरफ होती, हो सकता है बहुत ज़्यादा ना होती हो, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जी जी आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 99% केसेस में जो लड़के होते हैं मुस्लिम ही होते हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे कम्युनल बात कर रहा है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग कम्युनल, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन, मैं फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हाजरा थी जिनका नाम सुषमा हुआ था ना, उनका नाम सुषमा कर दिया, वो हिंदू नहीं बन सकती, शी कैनॉट बिकम अ हिंदू। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देयर इज नो वे यू कैन बिकम अ हिंदू, आप हिंदू नहीं बन सकते। आपको मैं बोल्ड ब्लैक अंडरलाइन, हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, है ना। और जहां तक आपने बोला किशोर कुमार मुसलमान बन गए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, आप चेक कर लीजिए, मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं, आई डोंट नो। बट आरजू जी, मधुबाला थी बला की खूबसूरत वैसे, सो अब किशोरदा का कहां दिल फिसला मुझे पता नहीं, बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देयर हैज बीन नो वुमन मोर ब्यूटीफुल देन मधुबाला, फॉर द रिकॉर्ड, मतलब बाकी जो भी फिल्म एक्ट्रेसेस आई हैं बॉलीवुड में भी और कहीं और पे भी, नोबडी इज इवन 20% ऑफ मधुबाला, ये बात तो तय। लेकिन वो ये शादियां जो हैं वो इसलिए नहीं हुई थी कि किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाए, या वो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो भी ठीक है बिल्कुल। वो मियां मिठू का आपने नाम लिया, और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ होता रहता है, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। उसका तो मतलब मकसद ही है उस चीज़ को, तो करना ही करते ही इसीलिए हैं कि रिलीजन चेंज करवा दिया जाए। लेकिन खैर, इस तरह के भी केसेस हैं और हमने देखे। एक चीज़ और मेजर साहब, कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं अभी, जैसे हम रिसेंटली देखते हैं, लेकिन रशिया के साथ बीच में कुछ गड़बड़ हुए थे, फिर दोबारा से हथियार वतियार खरीद के, थोड़ा जैसे कहते हैं ना बटरिंग करके, रशिया को दोबारा आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ किया। तो लेकिन अभी रिसेंटली आप क्या देखते हैं कि इंडिया के और इंडिया पाकिस्तान और यूएस रशिया, ये सारे इन सब रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं कि आगे इस साल में, जैसे 2021 में, ये आगे किधर जाएंगे? क्योंकि चाइना के साथ भी जो आपका चल रहा है वो, आप सी पैक भी आप लोगों को कहा जाता है, बहुत बुरा लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का है। अगर कोई और कंट्रीज इन्वॉल्व होती तो शायद ऐसा ना होता। हमें सीपैक, मैं आता हूं सबसे पहले, आपने रशिया का पूछा बटरिंग, ऐसा नहीं है। देखिए,
हमारे सबसे रिलेशंस अच्छे हैं और सबको हमें माल बेचना है, हम सबसे खरीदेंगे, अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे, रशिया से कम खरीदेंगे, एक जमाने में रशिया से ज्यादा खरीदते थे, अमेरिका से कम खरीदते थे, तो ये सब ये चक्र घूमता रहता है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कल पाकिस्तान का बस चले तो पाकिस्तान अपनी फौज के लिए चाइनीज इक्विपमेंट ना खरीदे। आप पूछिए, ये जो भी कहानी आप जेएफ थंडर की सुनाएं, जो भी पाकिस्तानी बच्चों को सुनाएं कि साहब ये जहाज ऐसा है कि बिल्कुल मरीज तक पहुंच जाता है और फिर वापस आ जाता है 5 सेकंड में, ये सब आप कहानियां सुना सकते हैं, पर अगर आप पाकिस्तानी एयरफोर्स से पूछें कि आप जेएफ थंडर चाहिए या आपको F-35 चाहिए, आप इनसे पूछ लीजिए। अब देखिए, आप पाकिस्तान का ही ले लीजिए ना, चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, आप हथियार को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चाइना बहुत अच्छा दोस्त है। आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछिए कि तुम्हें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम्हें चाइना की सिटीजनशिप चाहिए या अमेरिका की, आपके लगता है कहां की चूज करेगा? अमेरिका की भाई, अमेरिका तो काफिर है, अमेरिका तो मुसलमानों का कातिल है, चाइना तो यार है, उस पर जाने सार है, तो चाइना की सिटीजनशिप क्यों नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट चाइना में क्यों नहीं है? आप पूछिए इनसे ना, आप सीपैक को छोड़ दीजिए, सीपैक विपैक तो बहुत बड़ी बातें हैं, कभी और करेंगे, सिंपल सी बात है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि आपको सिटीजनशिप कहां की चाहिए, अमेरिका की कि चाइना की, वो चाइना जाना पसंद नहीं करेगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं चाइना में स्कॉलरशिप में, वो पाकिस्तान की क्रीम ऑफ द सोसाइटी के नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें होंगे एक दो भी, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शन होंगे, ज्यादातर जो पाकिस्तानी क्रीम है सोसाइटी की, उसके बच्चे आपके इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग इन चाइना, चाइना में वो पढ़ रहे हैं जिसको चाइना ने स्कॉलरशिप दे रखी है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि चाइना में हम, अगर कोई भी, अगर कल आपके पास ही पैसे हों 10-15 लाख रुपए हों, कोई भी एवरेज पाकिस्तानी के पास डिस्पोजेबल इनकम हो, और बेगम बोले कि जी अपने 2 बच्चों के साथ चल के हम लोग छुट्टी पे चलते हैं, है ना, 2 हैं, आपको बीजिंग जाना है कि आपको न्यूयॉर्क जाना है, आप कहां पसंद करेंगे? ऑब्वियसली दे विल गो टू न्यूयॉर्क, नोबडी वांट्स टू गो टू चाइना, कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सब देखिए, जहां तक हथियारों की बात है, द क्वालिटी ऑफ अमेरिकन वेपन्स इज फार बेटर, रशियन वेपन सिस्टम स्टडी हैं, अच्छे हैं, हम लोग लेते आए थे, अब हमारे पास पैसे हो गए, अब जब इंसान के पास पैसे हो जाते हैं, पहले वो दर्जी से सिलवाता है, जब उसका बजट लिमिटेड होता है तो क्या, अगर दर्जी के पास जाता है, नाप देता है, फिर जब उसके पास पैसे हो जाते हैं वो ब्रांडेड खरीदता है, फिर ज्यादा पैसे जो आते हैं फिर वो बीस्पोक खरीदता है, जो कहता है कि नहीं मैं आई विल गो टू बॉन्ड स्ट्रीट लंदन एंड फिर अपने हिसाब से सिलवाऊंगा। तो इंडिया बॉन्ड स्ट्रीट पहुंच रहा है धीरे धीरे ना, दस्तक दे रहा है उसमें, सो वी आर बाइंग द बेस्ट वेपनरी इन द वर्ल्ड बिकॉज आई थिंक प्रोबेबली वी हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बाय इट। तो सर ऐसा रशिया को ऐसा बैड फील नहीं करना चाहिए कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बुरा मान के सल्फ करके थोड़ा सा नखरे दिखा के आप किसी को मना नहीं सकते, यू हैव टू गिव अस, कौन सा ऐसा वेपन है जो कि अमेरिका से अच्छा है, हम वहां से खरीद लेंगे। मेजर साहब, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और इंडियंस ही, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, बहुत से इंडियंस ये कहते हैं कि मेजर साहब कहते हैं कि जी हम कुछ भी खरीद लेंगे, भारत के पास पैसा है, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, वो कहते हैं इतना पैसा भी नहीं है जितना मेजर साहब बता रहे होते हैं। नहीं, इतना पैसा किसी के पास भी नहीं होता, पर जो हमें चाहिए, हमें राफेल चाहिए था हमने खरीद लिया, हमें ग्लोब मास्टर चाहिए था हमने खरीद लिया, हमें तेल चाहिए हमने खरीद लिया। आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी कंट्री है जैसे हमने बोला कि आप हम ये हथियार खरीद रहे हैं, आप हमें लोन पे दे दो या हमें एड में दे दो, कोई एक कंट्री है क्या? नहीं है, हमने जो भी दिया पैसे लेकर ही तो दिया ना, सही। इतने भी पैसे नहीं, इतने पैसे दिया आपको, आपको 36 रफेल चाहिए, आपने 36 रफेल के पैसे दिए, आपने खरीद लिया। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब क्या बोले कि नहीं साहब फ्री में दे दो राफेल, ऐसे थोड़ा होता है, आपको पैसे देंगे मिल जाएंगे। तो मेजर साहब इनसे बोलिएगा, जो भी आपके इंडिया के दोस्त है, मेजर जो बोलता है ठीक ही बोलता है। नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, उन्होंने वैसे बात की थी, लेकिन मेजर साहब मुझे ये बताइए ना कि राफेल की बात कर रहे हैं आप, ये एक तरह का थ्रेट है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और चाइना के लिए, तो यहाँ पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ लेता रहेगा, चाहे उसके उस लेवल का ना ले, लेकिन कुछ ना कुछ हथियार और जेट्स लेते रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि इस साल में क्या डेवलपमेंट होगी दोनों जगह, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी, के मुकाबला किया जा सके इस राफेल का जो आप लोगों ने जिसपे इन्वेस्टमेंट की है? देखिए, राफेल भी आ रहे हैं,
F-18 हॉर्नेट भी आ रहे हैं। देखिए ये सब जहाज जो है ये वर्ल्ड क्लास है, चाइना को तो बेचेगा नहीं, अमेरिका बेचेगा तो हमें, चाइना को तो टेक्नोलॉजी देगा नहीं, हमें देगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो चाइना कुछ कर ले। देखिए चाइना ने आज तक कुछ ढंग का नहीं बनाया, पाकिस्तान में छापा कहता ना छापा, पाकिस्तान छापा, ये चाइना जो है छापा मारता है। ये आईफोन जो है, आईफोन आईफोन तो चाइनीज कंपनी है, ये तो अमेरिकन कंपनी है, और जो आईफोन बनाती है फॉक्सकॉन वो ताइवानीज कंपनी है, इनको तो सब कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है, इनके वर्कर जाके इनके लेबर जाके बनाते हैं, तो यह हमें देखना पड़ेगा। देखिए जहां तक आपने हथियारों की बात करी है आरजू जी, मैं आपको बता देता हूं कि ये तो चलेगा। मैंने कमर चीमा साहब की शो में एक बात बोली थी, मैं आपकी शो में रिपीट करता हूं, अगर पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला करें, और मैं आपको बड़ी सजेशियस और बड़ी रेलिवेंट एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं आप पाकिस्तान के वेलविशर नहीं है, ठीक ही कहते हैं, लेकिन लेकिन ये एडवाइस मैं दिल से दे रहा हूं, ये एडवाइस मैं दिल से दे रहा हूं, पाकिस्तान सब कुछ बंद करे अपना 20 साल के लिए, ये कश्मीर तुर्की ईरान ईरान इवन कश्मीर खत्म करो 20 साल के लिए, और 20 साल के लिए सिर्फ एक मकसद रखे पाकिस्तान, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी ये ठीक करनी है, एजुकेशन और इकोनॉमी पाकिस्तान को ठीक करनी है। 20 साल के लिए पाकिस्तान इसके पीछे पड़ जाए, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी, आप कुछ मत करो, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी को आप ठीक कर लो बस, बाकी सब हेल्थ सर्विसेज करप्शन वरप्शन है धीरे धीरे सब चला जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको कश्मीरी देखना है फिर आप देखते रहो, लेकिन सर इकोनॉमी तो जी बताइए सर, सर इकोनॉमी तो इंडिया की भी सुना है कि काफी खराब हो चुकी है, और ये भी मैं नहीं आपके इंडियंस ही कह रहे हैं, आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही जहाँ तक आप बात करें तो उसकी जो वैक्सीन बनाई आपने कोरोना की, तो वो कोरोना भी आप लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा, ये भी आपकी तरफ के ही लोग कह रहे हैं, और इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि पहले अपने जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो इश्यूज़ हैं भारत उनको हल करे, और पाकिस्तान अपने इश्यूज़ को हल करे, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। और साथ ही कुछ दिन पहले क्या अभी तक जो है आपने देखा होगा कि आपके तो बड़े फेवरेट हैं हमारे DGISPR, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और इमरान खान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि भारत हमारे ऊपर कोई हमला करने जा रहा है, तो इस इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूं मैं यहां से, उसको हर समय लगता है कि हमला होने वाला है, DGISPR के लिए भी एक डायपर भेज देता हूं मैं, पैंपर बोलते हैं ना आप पाकिस्तान में, पैंपर दोनों बोलते हैं सर, लेकिन प्लीज क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो में? नहीं मैं आपको आरजू जी ये जो इंडियंस है ना, सिर्फ इंडियन होना क्वालिफिकेशन नहीं है, गर्व की बात है लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इंडियंस कहते हैं इकोनॉमी खराब है, आपको ये देखना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं, ठीक है वो देखना है। दूसरी चीज की इंडिया ने कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा, राइट? तो भाई अगर कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा तो दुनिया में कौन सा देश है जिसने हैंडल करा ठीक तरीके से कोरोना? अमेरिका नहीं कर पाया ठीक तरीके से कोरोना, हमारी तो पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और चाइना जिसकी हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है जहां से वो कोरोना शुरू हुआ था, वो झूठे हैं, वो WHO की टीम को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं तो घुसने नहीं देते, हमारा मुल्क है, और ठीक बात है उनका मुल्क है, दे डोंट अलाउ, दे डोंट अलाउ, इट्स ऑल राइट, आई मीन इट्स नॉट ऑल राइट, बट दुनिया क्या कर लेगी, आप क्या कर लोगे चाइना का? कुछ नहीं कर सकते, जब चाइना ने मना कर दिया तुम नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये बात है कि देखिए परफेक्ट सॉल्यूशंस कभी नहीं होते इतने बड़े मुल्क में, इटली इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, कितनी इटली की क्या मतलब पॉपुलेशन है, कुछ भी नहीं है इटली की पॉपुलेशन, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, टॉप फैसिलिटीज है, इटली नहीं मैनेज कर पाया कोविड, इटली परेशान हो गया, इतनी डेथ्स हो गई इटली में कोरोना वायरस से, उनका कोई हेड ऑफ स्टेट पता नहीं कौन रो रहा था गा रहा था पता नहीं क्या कर रहा था, वो बड़ा फेमस है कोई आ रहा था, बड़ा फेमस पर्सन था वहां पे, आई डोंट नो वेदर इट वाज हेड ऑफ स्टेट ऑर समबडी, आई डोंट रिमेंबर, बट दे वर ब्रेकिंग डाउन एंड सेइंग कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, सो इंडिया में जैसा भी हुआ है अपने हिसाब से हमने ठीक ठाक कर लिया, ऐसी बात नहीं। जहां तक इकोनॉमी की बात है, ऐसा अर्जुन जी की इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक है,
राइट, जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक हैं तब तक ठीक है, इट्स ऑल राइट। कोरोना के हमारी इकोनॉमी का खास वो है ना, एक खास रूप है, खास रंग है हमारा इकोनॉमी का। और बीच में क्या हुआ है कि हमने इतना स्टिमुलस डाल दिया $300 बिलियन से ज्यादा, तो उसका कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट मिलेगा, जो लोगों के लिए डाला है, जो कोरोना लड़ने के लिए डाला है, ये डाला है। तो मोटा मोटी आई थिंक वी आर नॉट परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट है और इंडिया ने सब कुछ ठीक करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी ने हर बॉल पे छक्का मारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, कर देंगे हम लोग, पहुंच जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो मेजर साहब, और वही पहला सवाल तो आप मिस कर गए हैं, जो आपने, जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वहां से हमें बार बार लग रहा है कि कोई अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा है इंडिया, तो क्यों क्यों ऐसी कोशिश हो रही है अगर उनको ऐसा लग रहा है तो? ये कभी ये नहीं बताते कि कौन कर रहा है कोशिश, कैसे इनको कैसे पता लगा, ये कुछ नहीं बताते, ये ऐसे ही बस 7,000 थे, इंडिया ने मार दिया, कैसे आपको पता लगा, कोई इंटरसेप्ट है आपका, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है, कोई प्रूफ है, नहीं, इंडिया ने मार दिया। इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, 59 नहीं है, 61 नहीं है, 60 है, मोटे मोटे फिगर बता दिए। इसी तरीके से क्यों इंडिया करेगा, क्यों लग रहा है इनको ऐसा, ऐसे डरते नहीं है, बहादुर बच्चे बनते हैं, शेर बच्चे बनते हैं, ऐसे थोड़ा ना डरते हैं, इंडिया कर देगा अटैक, इंडिया क्यों इंडिया कर देगा, आप उनसे बोले बहादुर बच्चे बने, ऐसे नहीं, कोई इंडिया अटैक नहीं कर रहा, इंडिया हमारे अपने मसले हैं मैम, हमारे अपने मसले, हम अपने मसले ठीक करेंगे, क्या करेंगे इनके पीछे लग रहेंगे अटैक करने के लिए। अच्छा मेजर साहब, आप बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर सब जगह, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की भी, कि उधर वो क्या ट्वीट कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं किसी की भी, चाहे वो कोई हेड ऑफ स्टेट हो या कुछ। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था 12 घंटे के लिए, और यही उल्टी सुलटी ट्वीट्स की वजह से। तो आपको क्या लग रहा है कि खासतौर पे हम लोगों के यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो है वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? देखिए, सोशल मीडिया, मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे जहीन लोग होते हैं, जो सबसे दानिशमंद लोग होते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, थोड़ा सा कम दिमाग वाले टीवी देखते हैं, मैं, और जो सबसे नहीं ऐसा नहीं कहूंगा मैं जी, नहीं मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी से ही न्यूज ले लेती हूँ, अखबार का भी पढ़ती हूँ, वो मैं पराठा रखने के लिए रखा है मैंने। हाँ, क्योंकि आरजू जी ऐसा भी होता है ना कि अखबार लेट आता है, न्यूज इमीडिएट जो आ जाती है, अखबार तो अगले दिन आता है, लेकिन अभी भी जो जहीन इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो एडिटोरियल पढ़ेंगे, ये सब एक बात है। फिर उसके बाद टेलीविजन है, सबसे नीचा दर्जा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया को आप रेगुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना लगे, और सोशल मीडिया आपने ट्रंप को बंद कर दिया, ट्रंप जैसे 10 और होंगे जो करेंगे। सोशल मीडिया रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरी पर्सन इज द एडिटर इन चीफ ऑफ हिज ओन ट्विटर हैंडल, वो अपने ट्विटर हैंडल की पॉलिसी खुद ही बनाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, आप अपने विचार व्यक्त करें, जो आपकी जिसको कहते हैं इजहार राय, वो बहुत जरूरी है, करना भी आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यू नो कि सब कुछ जिसको खुला ही खेल करना है, तो ये तो गलत है, क्योंकि देयर शुड बी सम दिस थिंग दैट नुकसान ना पहुंचे किसी को। लेकिन वही चीज है जी, वही चीज है, जैसे आप बात कर रहे थे मेजर साहब कि न्यूज़पेपर बाद में आता है, और न्यूज़ सारा दिन 24 घंटे चल रही होती है, तो वो हमें टीवी से मिल जाती है, तो इस वजह से शायद मैं टीवी ज़्यादा देखती हूँ। लेकिन बास चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बजट स्पीच, वो कभी समझ नहीं आती जब तक कि आप उसको दूसरे दिन पेपर में ना पढ़ें। लेकिन आपको लग रहा है जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको लगता है कि कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कि कुछ किसी तरीके से जो है वो होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सही न्यूज़ ले रहे हैं, सही न्यूज़ दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए कंट्रोल या नहीं? क्योंकि अगेन मैं वही चाइना का नाम, खैर चाइना में तो बिल्कुल ही बंद है, और पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा ये बात होती है कि जी हम चेक करेंगे, हमें तो आजकल रोज़ मैसेजेस आते हैं कि जी इस तरह की न्यूज़ ना लगाएं, और एक बाकायदा एक यानी डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़ चल रही होती है व्हाट्सएप पे ना, या उस पर वैसे SMS आता है। तो इस तरह की कोई चीज़ है भारत में जिससे आप ये चेक करें कि आपके स्टूडेंट्स और आपकी जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं? मुझे नहीं लगता जी, बोला है बीच में खबर आई थी कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ सोचेगी सरकार, करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
मैं आपको बताता हूँ ये बहुत मुश्किल है, और देन यू सी इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ जाएगी, वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आ जाएगी, बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। मुझे लगता है कि रादर देन कंट्रोलिंग वी शुड एजुकेट आवर यंग। देखिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो होती है ना माँ बाप की होती है, माँ बाप अगर ट्रेन करें, माँ बाप अगर यू नो एक एक तरीके से ट्रेन करें बच्चे को, और बच्चे को जिम्मेदारी, देखिए वही वही चाकू है जिससे आप किचन में सब्जियां काट सकती हैं, वही चाकू है आप जिससे कत्ल कर सकती हैं, तो आप चाकू थोड़ा ना रेगुलेट करना कर देंगे शुरू। तो सोशल मीडिया इज लाइक दिस, यू कैन यूज इट फॉर गुड और यू कैन यूज इट टू हार्म समबडी, है ना, वो अपना है, अपना नुकता नजर है अपना। तो आई थिंक कि ज्यादा थोड़ा सा जो संस्कार, संस्कार क्या बोलते हैं उर्दू में, तहजीब, नहीं तहजीब, तहजीब तो कल्चर हो गया, संस्कार जो माँ बाप गुण सिखाते हैं बच्चों को, एक ये बुरा है। अगर माँ बाप ठीक सिखाएंगे तो जिम्मेदार इंसान बनेगा, अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर जाहिल का बच्चा बनेगा वो। नहीं बिल्कुल, और वो आप जो बार बार आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ना, वो उर्दू, अगर आपको तो पता ही होगा उर्दू जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, तो उसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, तो इसलिए अक्सर जो वर्ड आप यूज करते हैं वो समझ में आ जाते हैं, जो आप लोग अपनी डिबेट में भी बात करते हैं तो वो उस अंडरस्टैंड होते हैं। तो मुझे लास्ट में मुझे ये बताएं आप मेजर साहब के, जैसे दोनों कंट्रीज़ की अभी अभी जो सिचुएशन है, और हम अगर कश्मीर की बात ना करें जो आप लोग कहते हैं कि 20 साल के लिए भूल जाएं, लेकिन वहाँ के लोग तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है ना, वो तो भूलने को तैयार नहीं है, वहाँ के भी और यहाँ की कश्मीर के भी जो लोग हैं वो मुसलसल आवाज़ उठाते हैं और वो बात करते हैं, कि बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि जी 370 वापस ले आएँ और ये सब कुछ। लेकिन आप, आपको क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कश्मीर का, जो है वो आगे क्या फ्यूचर है, अगले 5 साल समझ लें आप, कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा या इसी तरीके से टेंशन चलती रहेगी? आरजू जी, किसी शायर ने कहा है कि दो किस्म के गम हैं इस दुनिया में, गम है दिल, गम कारोबार, और ये दोनों साथ चलते हैं, है ना, गम है दिल और गम है कारोबार। तो ऐसा है कि कश्मीर काफी हद तक सेटल हो गया है, लेकिन इसको समय लगेगा सेटल होने में, और जो कश्मीरियों को सिखाया गया है राइट, अब लोग कहते हैं कि कश्मीरियों को आप लोग दबाते हैं, उनकी आवाज दबाते हैं। अगर हम उनकी आवाज दबाते हैं तो ये 9 बजे कैसे फिर टीवी पे आके मोदी को गाली देते हैं रोज और इंडिया को गाली देते हैं? ये कौन लोग हैं? मतलब जो आप भी आती हैं उन्हीं चैनल्स पे आप देखती हैं, खुल के बोलते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं जिनका इंटरनेट नहीं चल रहा कश्मीर में, लेकिन वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जिनका इंटरनेट नहीं चल रहा लेकिन बिना इंटरनेट को फेसबुक और ट्विटर पे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं लेकिन लॉकडाउन चल रहा है कश्मीर में, साल डेढ़ साल दो साल से पता नहीं क्या लोग बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन से लोग हैं। जहां तक क्या कश्मीर में हालात नॉर्मल है, नहीं, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि नॉर्मल हो जाएंगे, और थोड़ा सा डीरेडिकलाइजेशन की जरूरत है कश्मीर में, थोड़ा सा डीरेडिकलाइजेशन की, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है कश्मीर में। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अर्जु जी, 5 साल की बच्ची मिली थी, 5-6-7 साल की होगी, 8 साल की होगी मुझे नहीं पता, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ बच्चों को ना टॉफी देता रहता हूँ, तो है ना छोटे बच्चे होते हैं मासूम वो कुछ, तो उनको पकड़ा दी मैंने टॉफी ऑफी ना बच्चों को, देसी चॉकलेट वॉकलेट पकड़ा देता हूँ मैं, जेब में भर के चलता हूँ, मैं खुद भी खाई बच्चों को भी पकड़ाई। तो अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जमात इस्लामी के तकरीबन करीब 500 में से करीब 300-350 तो जमात इस्लामी के मदरसे थे कुछ समय पहले तक, फिर थोड़ा सा बंद बंद करवाए क्योंकि वो जहर घोलते हैं ज्यादा, और बाकी मदरसे तो चल रहे हैं वहां पे, जो इस्लामी तालीम दे रहे हैं वो ठीक है। मैं बात कर रहा हूं करीब 3 साल पहले की, 2.5-3 साल पहले की, ये छोटी सी बच्ची मुझसे कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी मेरे बेटे होंगे और मैं उन बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। तो किसने उस छोटी बच्ची के दिमाग में बात डाली, किसने छोटी बच्ची के दिमाग में बात डाली कि जिहाद क्या होता है, ये क्या है? तो उसको, उसको तो किसी ने बताया है। तो यहां पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कश्मीर में रेडिकलाइजेशन की, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की, जहां पे जो माना लोग हैं वो भी गलत स्टेटमेंट देते हैं, वो पाकिस्तान में भड़काते हैं, यहां पर भड़काते हैं।
तो मैं तो सर आपको कोई मैं उनको यही बोलता हूँ, जितने भी मेरे मुसलमान जो दोस्त हैं जान पहचान के, मैं कहता हूँ यार तुम यू डोंट नीड, आपको आपके और अल्लाह के बीच में आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। कोई बीच में आए ना जो बीच में बोले कि मैं डील करवा, कोई डील भी नहीं करवाता, आप खुद ही बात करिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। तो मेजर साहब आपको को लग रहा है कि कोई बीच में कोई आगे जाके कोई कश्मीर के ऊपर ही किसी किस्म की कोई जंग, कोई इस तरह की आपको लग रहा है कि कोई क्लैशेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के? देखिए जब तक कोई पुलवामा टाइप की हरकत नहीं होगी, जब तक कोई मेजर टेरर स्ट्राइक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई जंग वंग होगी। बिकॉज देखिए पाकिस्तान जब आप जंग करते हैं ना तो मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन में अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं सिर्फ मोबिलाइजेशन। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज इन अ मूड टू फाइट अ वॉर, इवन वी डोंट वांट टू फाइट अ वॉर। हमें 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 नहीं लगता कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं है। ठीक है, हम तो टेलीविजन स्टूडियो में बोल देंगे कि लड़ो लड़ो लड़ो, ठीक है, और जान जाती है फौजी की, तो ये गलत चीज होगी। लेकिन हमें भी ये समझना पड़ेगा राजू जी कि जो कश्मीर का मसला है ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर 20 साल के लिए छोड़ दीजिए, मत छोड़िए। मैं तो आपको डायग्नोस कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, तो मैं सिर्फ डायग्नोस कर रहा हूं अर्जु जी की बात यह है कि एक ऑब्सेशन है जो पाकिस्तान में कश्मीर के लिए, एक जुनून है, एक फतूर है। बच्चे बच्चे को बोला गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर का, हम कश्मीरियों से ना क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब जो बताया गया है ना, दिस इज वेरी अनहेल्दी फॉर पाकिस्तान। इसने आपकी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से रेडिकलाइज कर दिया है। तो जब तक पाकिस्तान इकोनॉमी पे फोकस नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान एजुकेशन पे फोकस नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार हो सकता है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो माँ बाप हैं जो घर बार बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो कल्चर है ये। लेकिन वही बात है कि लास्ट में कि वो शेख रशीद साहब ने भी कहा था ना कि अब जो जंग होगी वो आखिरी जंग होगी, तो वो तो मुझे लगता है बहुत मूड में है कि वो इंडिया के साथ कोई छोटी मोटी जंग हो जाए। लेकिन क्योंकि उनकी स्टेटमेंट लेटेस्ट जो आई थी वो यही आई थी कि उन्होंने कहा था कि अब जो जंग होगी भारत के साथ वो आखिरी होगी, फुल एंड फाइनल। आपने देखा होगा, देखिए शेख रशीद कौन कौन सी जंगें लड़ते हैं वीडियो कॉल पे सबने देखा, तो उनसे बोले साहब आप वही जंगें लड़े, ठीक है, पोती की उम्र की लड़कियों से आप जंगे लड़े, और आप ये हमें मत समझाएं कि ये न्यूक्लियर बम फाड़ देंगे और बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी। तो कह रहा कि ये सब डायलॉगबाजी मत करो यार, अच्छा नहीं लगता तुम्हारी उम्र में, और जो तुम करते हो वो भी तुम्हारी उम्र में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें खून माफ है, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट से एनीथिंग टू यू। ओ ही इज अ शेख रशीद इज अ नॉटी बॉय, ओ ही इज अ नॉटी बॉय, बदमाश बच्चा है वो शेख रशीद, है ना जी। थैंक यू सो मच मेजर साहब कि आपने टाइम निकाला, और थैंक यू सो मच, मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं, लेकिन प्लीज मैं फिर जाते जाते आप मुझे कहेंगे, मैं हर शो में यही बोलती हूँ घमासान शुरू कर दें सर, बहुत दिन हो गए। मैं बिल्कुल घमासान शुरू करवाता हूँ मैम, पक्का 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेजर साहब, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।